यही मैं कहना चाहूंगा, या चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ के सभी मानव जो है एक अच्छा से जीवन जी सकते हैं। यहाँ बाहरों के कंपनियों के लाकर यहाँ पूंजीपति वालों को यहाँ के जो है दोहन करवाते हैं। सर, सरकार को यहाँ से जरूरत है, आदिवासियों को कचरा किसी कीड़े मकोड़े समझ करके आज इस प्रकार से सरकार जो अभयारण्य को बचाने के लिए आज यहाँ ढोलवाना के कार्यकर्ता व जिलाध्यक्ष मौजूद है, जो यहाँ से पैदल जाएंगे कलेक्टर कार्यालय और घेराव करके अपना ज्ञापन देंगे। आइए जानते हैं कि किस तरह का आंदोलन कर किया जा रहा है अभयारण्य को बचाने के। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहला चैनल हैं कि आज के कार्यक्रम को हम लोगों का आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने सरगुजा में जो चल रहा है हसदेव बचाओ, पिछले दो वर्षों से आज का जो कार्यक्रम है गुरवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय आह्वान पर आज छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला में आज 10 जनवरी को सभी जिला मुख्यालय में हम लोग विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। जो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, अवैध उत्खनन, अवैध पेड़ों की कटाई, क्योंकि पर्यावरण को देखभाल और उसको बचाए रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि इस पर्यावरण से सभी जीव जंतु चाहे मानव जीव हो सभी इस जंगल से निर्भर रहते हैं। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार का जो नीति चल रही है सरकार की, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाखों पेड़ काट दिए गए, जंगलों का हाल बुरा है, उसको लेके जाते हैं पेड़ कटाई या आदिवासियों के साथ अत्याचार, ये सारा चीजें बंद होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अगर नहीं होता है तो उससे हम सबको बड़ी नुकसान है, क्योंकि बारिश नहीं होगी और जब बारिश नहीं होगी तो खेतियां नहीं होंगी, कई सारी नुकसान हम सभी, कई सारे नुकसान है, उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पेड़ कटाई से लगातार कृषि पे ही असर पड़ रहा है। आप लोग किस तरह से आंदोलन करेंगे आगे, क्या रणनीति? हम लोग आंदोलन करेंगे और अभी तो ज्ञापन देने जाए नहीं, अगर मानते हैं कटाई नहीं बंद होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे और कटाई, जंगल की कटाई अवश्य बंद करेंगे। हम लोग गुणवाना गणतंत्र पार्टी वाले ये सब चीज को मांग को पूरा करके मांगते हैं। लगातार पेड़ों की कटाई हर जगह को चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं, कांग्रेस भी वहाँ नेचर करके विरोध प्रदर्शन नहीं किया, गुणवाना सामने आई है। आदिवासी भली भांति जानते हैं, है ना, कि ऑक्सीजन का कीमत को समझते हैं, ये तो सिर्फ पैसा और पलक कीमत को समझते हैं। अभी अगर अभी कोरोना काल में देख लीजिए, ऑक्सीजन ना होने का कारण कितना लोगों को जान गंवाना पड़ा, यही सब कारण है पेड़ पौधा ना होने का। आखिर आदमी क्यों पेड़ पौधा को लगाता है? क्योंकि सही ऑक्सीजन मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले लोगों को, सही साथ में कोई बीमारी ना हो, यही सब है। लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या है पेड़ों की कटाई को लेकर आप कर रहे हैं? कटाई बंद होना चाहिए और कटाई अगर होता है तो उससे ऑक्सीजन नुकसान होता है, क्योंकि हंगामी जब कोरोना काल आया तो उसमें झांक के देख ले नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान सरकार जो है, जिससे यहाँ की जनताओं को ही नहीं पूरे देश की जनताओं को क्या नुकसान हुआ था ऑक्सीजन के माध्यम से। पर्यावरण को लेकर के काफी नुकसान हो रहा है, पेड़ों की सैकड़ों पेड़ कट गए, लेकिन अभी तक कोई पार्टी सामने नहीं, क्या कहेंगे? साथियों, आज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आप लोग जानते होंगे कि मानसून क्या होता है। मानसून जो है यहाँ से जो बारिश जो होता है उसकी जो एक तरह बात कहा जाए कि उसको जो है पेड़ पौधा के द्वारा जो है मानसून जो है गांव शहर क्षेत्र में पहुँचता है, और उसके जो है यहाँ सरकार जो बैठे हैं चाहे आदिवासी हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, इसके चिंतन करने को उनको कोई बात नहीं है। यहाँ के जो है सब जो है जितने यहाँ जो है मानसून का बात हो चाहे पेड़ पौधा का बात हो चाहे यहाँ का जल जंगल आदिवासी का रहन सहन की बात हो, यहाँ जितने भी हैं
जड़ जाकरी बहुत सारे वहाँ से मिलते हैं, वो लोग वो खत्म करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ के जितने भी हैं कोई भी समाज हो यहाँ खत्म करना चाहते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ के सभी मानव जो है एक अच्छा से जीवन जी सकते हैं, अच्छा से ऑक्सीजन मिल सके, अच्छा से बारिश हो सके, यहाँ से हर चीज़ जो है लाभ हो सके, ये लोग नहीं चिंतन करते। यहाँ बाहरों के कंपनियों के लाकर यहाँ पूंजीपति वालों को यहाँ के जो है दोहन करवाते हैं सर। यही मैं कहना चाहूँगा, गोरवाना गणतंत्र पार्टी आज जो है यहाँ इसी का विरोध में आज पूरे क्षेत्र से आए हैं, और मैं उनको कहना चाहूँगा कि नहीं कटने देंगे, लगातार पेड़ों की कटाई हो गई, आगे किस तरह की है? देखिए, हमारे मूल निवासियों को आज की जो सरकार बैठी, सरकार जो है पूंजीपति की सरकार है, आज यहाँ के जो मूल निवासी जो आदिवासी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जल है जल जंगल जमीन है तो आदिवासी है, आदिवासी है तो जंगल है, तो इनको जंगल से तो विस्थापित किया जा रहा है। वहाँ का जितने भी अभियान जंगल है, जो हाथी वहाँ से जितने भी जानवर हैं सबको वहाँ से भगाया जा रहा है, वहाँ को आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। तो ये सरकार जो है पूंजीपति की सरकार है, इस प्रकार इस सरकार को यहाँ से उठा फेंकने की जरूरत है। आदिवासियों को कचरा जैसे कीड़े मकोड़े समझ करके आज इस प्रकार से सरकार बैठी, आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसके बाद ये आदिवासी है तो उन्हीं मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री ने नाम कहो चलो अपने मुख्यमंत्री है, लगातार बोलिए क्या बोलते हैं? पर्यावरण बचाव के लिए और खेती किसानी बचाने के लिए और अपने आप को संभालने के लिए, हम ही भर नहीं है यहाँ पे, पूरा परिवार के हैं, पूरा गांव वासी हैं। अगर पेड़ कटाई हो गया तो बारिश कहाँ से होगा, और उसमें यानी बीज कैसे बोएंगे, कैसे खेती करेंगे, तब खाना कहाँ से मिलेगा हमको? आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पर्यावरण का इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, पेड़ कटाई हो रही है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी इस मांग को पूरी किया जाए। यहाँ हमारे साथ गोरवाना के कार्यकर्ता थे, जो बोल कह रहे थे कि जो पेड़ कट रहे हैं वो काफी नुकसान हो रहा है हमारे क्षेत्र को, और इससे खेती बाड़ी में भी काफी असर पड़ेगा, और इसको लेकर क्या बात है? कुछ और लोग भी उनसे भी जानते हैं कि जो हल्दी और कटाई चल रही है उसको लेकर इनका क्या कहते हैं? यदि इसमें भी हमारी बात नहीं बनती है और जो भलाई को नहीं रोका जाता तो हम बिना करने के लिए बात करते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उसके बाद भी पेड़ों की तरह कटाई की जा रही है, आदिवासियों का मैंने अभी तो मैं नहीं कहती है, इसलिए अपने मुख्यमंत्री जो है आदिवासी, लेकिन जहाँ पास माने हमारी जंगल है वही जंगल कटाई कर, लेकिन जंगल हम अपने स्तर पर हम नहीं काटने देंगे, क्योंकि जल जंगल जमीन जो है गोरवाना के आदिवासी मुख्यमंत्री आगे किस तरह की रणनीति रहेगी अगर जंगल करते हैं तो? उग्र आंदोलन करेंगे, अभी क्या होगा? अगर सरकार बात हमारी नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, अब पेड़ों को किसी भी तरह से कटने नहीं देंगे, पर्यावरण को दूषित होने से हम बचाएंगे। हमारे साथ गोरवाना के कई कार्यकर्ता थे जिनके द्वारा बताया गया कि आगे हम यह रणनीति बनाएंगे कि हमको कहीं भी जाना पड़े, उसके बाद जाना पड़े वहां तक हम जाएंगे, लेकिन पेड़ों की बलि होने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ से मनेंद्रगढ़।